नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले, जैसे कि आपको हम सामने दिख रहा है हैवेल्स कंपनी का इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट फैन दिख रहा है। इसका काम क्या होता है, जैसे किचन में जो किचन के अंदर गर्मी होती है उसको बाहर निकालना, या बाथरूम के अंदर गर्मी जो हो उसको बाहर निकालना, तो एग्जॉस्ट फैन होता है। ये किस कंपनी का है, ये हैवेल्स कंपनी का है। इसके बारे में हम लोग आज क्या क्या जानने वाले हैं, इसका हम लोग प्राइस जानेंगे, कितने एमएम का वो जानेंगे, किस ब्रांड का आपको पता है हैवेल्स का, इसकी वारंटी जानेंगे, और यहाँ पर कितने वाट को भी जानेंगे। तो यहाँ पर गारंटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 1 ईयर की गारंटी है, और यहाँ पर 1 ईयर गारंटी है। और एमएम की बात करें, 250 एमएम का है। कितने एमएम का है, 250 एमएम का है, मतलब ब्लेड की जो लंबाई है वो 250 एमएम का है। और यहाँ पर आइटम नेम क्या है, इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। आइटम नेम क्या है, इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट फैन है। और आइटम डिस्क्रिप्शन में क्या है, थ्री एयर डीएक्स, ठीक है, थ्री एयर डीलक्स डीएक्स हो गया। स्वीप है 250 एमएम, नेट क्वांटिटी 1 है, रिलेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट रहेगा तो आपका अच्छे से वर्क करेगा। एमआरपी 2055 पड़ी हुई है, लेकिन लास्ट में आपको बता देंगे कितने का हमें मिला हुआ है मार्केट से। तो लगभग यहाँ ग्राहक के घर पे आए हैं, लगभग एक नहीं लगभग 6 पीस लगाए हुए हैं। इस साइड में हमारा काम हो रहा था इलेक्ट्रिकल का, तो वहां पर हम लोग एग्जॉस्ट फिट करने आए हुए हैं। इसका दोस्तों हम लोग इंस्टॉलेशन करके भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और आपको बता देना ये मार्केट में कितने कितने इंच का आता है। दोस्तों मार्केट में 6 इंच का भी आता है, 8 इंच का भी आता है, 10 का भी आता है, और 12 इंच का भी आता है। तो हमारे पास अभी जो है ये 12 इंच वाला है, यानी 12 इंच का रहेगा और इसका अंदर का भाग 11 इंच का रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको किस प्रकार लगाना है। सबसे पहले इसको हम लोग अनबॉक्सिंग कर लिया, अनबॉक्सिंग बाद वायर को हम लोग निकाल लेंगे। हैवेल्स कंपनी लगभग आधा मीटर वायर बाहर हमें देती है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा जो ब्लेड की लंबाई है ये 250 एमएम है, 250 एमएम, ठीक है। ये हमारा जो ब्लेड की लंबाई है ये 250 एमएम है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको बाहर, ये जो शटर होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, जब हमारा एग्जॉस्ट फैन चलेगा तो ये शटर खुल जाएगा, जैसे एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाएगा वो शटर बंद हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए डिटेल से लिखा हुआ है कि आइटम क्या है, इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट फैन है। और यहाँ पर सिर्फ 250 एमएम का, आरपीएम का मतलब क्या होता है, 1300 एमएम, 1300 एमएम का मतलब होता है कि आपका 1 मिनट में आरपीएम, मतलब राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1300 बार ये चक्कर काटेगा, यानी रोटेट करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो ओपन वाला भाग है, इन जो हम लोग बाहर कर लिए हैं, और हमारा ये जो वाला भाग ही अंदर फिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसी वीडियो में इंस्टॉलेशन करना भी आपको बताएंगे, यदि आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो किस प्रकार आपको इंस्टॉलेशन करना वो भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जहाँ लगना है ये हमारा जगह है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जगह है। तो ये जगह कितने इंच हम लोग यहाँ पर छुड़वा चुके हैं, क्योंकि मकान बन रहा था उसी टाइप हमने इन साइज को दे दिए थे नाप के, कितना एम छोड़ना है। तो बाहर से आप आउटर से बात देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 13 इंच आएगा, कितना आएगा, 13 इंच आएगा, ठीक है। ये बाहर से हम लोग रोटेट नापेंगे तो लगभग ये 13 इंच आएगा, और 1 फीट 1 इंच, मतलब 13 इंच आ रहा है। और अंदर से हम लोग जब नापेंगे इसको तो कितना आता वो भी देख लेते हैं। तो अंदर से हमारा लगभग कितना आ रहा है, यहाँ से और यहाँ तक हम लोग नापेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 11 इंच आ रहा है, कितना आ रहा है, 11 इंच हमारा आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ से हमारा यहाँ कितना आ रहा है, 11 इंच हमारा आ रहा है, ठीक है। तो अब वहाँ पर जहाँ पर हम लोग जगह छोड़े हुए हैं वो कितने इंच का जगह छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ लगा रहे हैं वो बाथरूम है, छोटा सा बाथरूम है, लगभग 5x8 का या 7 का बाथरूम है। तो हम लोग इसको एक बार नाप लेते हैं कितना हमने यहाँ पर जगह छुड़वाया हुआ है, क्योंकि करंट जब मकान बन रहा था तो उसी टाइम हमने यहाँ पर इसको छुड़वा दिया। यहाँ से और यहाँ तक आप नापेंगे तो लगभग 11 इंच जगह, 1 इंच से लेके यहाँ तक लास्ट में 11 इंच का जगह हमने छोड़ रखा है, मतलब यहाँ पर जो मिस्त्री बना रहा उसको हमने बोल दिया था, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग 11 इंच का जगह छोड़ रखा है। यदि आपको लगवाना है तो 13 इंच वाला अगर एग्जॉस्ट लगवाना है तो आपको 11 इंच की जगह छोड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और 9 इंच का अगर लगवाना है, अगर आपको 9 इंच वाला लगवाना है तो 9 इंच छोड़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए कितना आसानी से ये हमारा फिट हो गया है, ठीक है, देख रहे हैं ना कितना आसानी से हमारा फिट हो गया है। एक बार इसको हम लोग चला के भी चेक कर लेंगे। दोस्तों इसकी वाट की बात करें तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि ये हमें इसका वाट 32 वाट है, मतलब टोटल 32 वाट, मतलब एक बार जब एग्जॉस्ट चलेगा तो ये 32 वाट का बिजली कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इसमें एक सबसे खासियत है कि ये गुल्ली और पेस्ट की मदद से ये लगा देंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं,
ठीक है, चलते हैं हम लोग हल्का सा ड्रिल मशीन कर लेते हैं, ड्रिल मशीन से हम लोग जाम कर देते हैं। ये शटर क्या होता है, शटर का काम आपको पता है कि जैसे कभी कभी बाहर लगता है कबूतर या कोई पक्षी अंदर आ जाता है, इसीलिए इसमें शटर लगा के देते हैं। जब हमारा एग्जॉस्ट ये चलेगा तो इसका जो शटर है खुल जाएगा, और जैसे हमारा एग्जॉस्ट बंद हो जाएगा उसका शटर बंद हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लगभग हैवेल्स कंपनी का लगभग 6 से 7 पीस लाए हुए हैं, और यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो हम लोग हैवेल्स कंपनी का ये भी लाए हुए हैं, रिंग वाला मतलब गोले वाला भी ले आए हुए हैं, यहाँ हैवेल्स कंपनी वेंटिलेयर जीएस, ठीक है। इसका वीडियो आपको चैनल पर बहुत मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, 1 से 2 दिन में, जो 12 इंच का गोला वाला है उसका जब फिट करें उसी वीडियो हम लोग बना देंगे। यहाँ से हम लोग ड्रिल मशीन से इसको ड्रिल कर लेते हैं, ड्रिल करने के बाद बहुत आसानी से लगा सकते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि आप 2 छेद करके आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे छेद कर लेते हैं। दोस्तों इसका लगाने का चार्ज कितना होता है, तो हम लोग आपको बता देते हैं, यहाँ यूपी प्रयागराज में हम लोग एक वेल्डर से लगाने का 100 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। अब आप वहाँ कितना लेते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से लगा दिए हैं, लगाना भी बहुत आसान होता है, जो गुल्ली पेच नॉर्मल होता है 1.5 इंच का, वही से गुल्ली पेच से यहाँ पे हम लोग इसको लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 पेच लगना है तो हम लोग 4 पेच लगा देंगे, और हम लोग यहाँ पे इस तरह से अंदर इसके अंदर डाल दिए। आपको ध्यान रखना है कि जो शटर वाला भाग है वो पीछे की तरफ रहेगा, मतलब जिधर से हवा निकलेगा उस साइड रहेगा, और ये वाला अंदर की तरफ रहेगा। इसका जो फैन रहेगा वो बाथरूम साइड, अंदर की साइड, किचन में लगा रहे किचन की साइड रहेगा, बाथरूम लगा रहे बाथरूम साइड रहेगा। ये रूम के लिए भी होता है, ठीक है। अगर आपका 10x10 का रूम है तो आप उसमें लगा सकते हैं, जितना भी अंदर की गर्मी होगी सारा वो पूरा बाहर निकाल देगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ लगा लिए हैं, इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे टाइट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्लास्टिक का कवर वाला भाग है तो इसको हम लोग बाहर से लगा देते हैं। अब इसका हम लोग प्राइस जानते हैं, दोस्तों आपको बता देते हैं इसका जो प्राइस है लगभग आपको अमेजोन पे 1400 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। वारंटी की हमने बात कर लिया है, यहाँ 1 ईयर की फुल वारंटी, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कंपनी को कॉल करेंगे तो वो आके इसको बना के चला जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देखिए कनेक्शन जोड़ के चालू भी कर दिए हैं, तो हमारा फैन यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो पीछे का भाग है वो खुल गया है, और जैसे ही फैन हमारा बंद होगा पीछे वाला जो शटर है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, ये डस्टलेस है, मतलब इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं जमेगा, और आप कपड़े साफ करेंगे तो ये साफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो कैसे ले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए।